एवरीवन, माय नेम इज शांत भसीना एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की एक्सपायरी बिल्कुल हम लोगों ने जैसा आपको बताया था एग्जैक्टली वैसा गई है। निफ्टी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, बट बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा था। सो कल हम लोगों के बीच में जो डिस्कशन हुई थी, हम लोगों ने आपको बताया था कि मार्केट एक गैप अप खुल सकती है, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आएगा और वहाँ सेलिंग प्रेशर में हमें जो भी रिवर्सल दिखेगा, मैंने आप लोगों को एक रेंज बताई थी ना, फ्लैग एंड पोल बन रहा है तो वो एक रेंज के अंदर है। तो जैसी रेंज के बॉटम पे हमें दिखेगा, वी कैन गो फॉर अ बाय, और वहाँ पर हमारे लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा विच इज वेरी लो। तो इस तरीके से पूरा रहा। इसके अलावा हम लोगों ने टेलीग्राम पे आप लोगों को कल एक शॉर्ट स्ट्रैडल दिया था, जो आप लोगों ने अगर लिया होगा तो वहाँ पर भी हम लोगों को 15-20,000 रुपीज़ का बहुत ईजिली प्रॉफिट हो गया था। क्योंकि वो शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या था कि हम लोगों को 39,500 के दोनों पुट को और कॉल को हम लोगों ने शॉर्ट करा था, एंड हमने आउट ऑफ द मनी के पुट और कॉल को बाय करा था। तो हमें पता था कि वो मार्केट उस रेंज के अंदर रह सकती है, तो 39,500 के आसपास ही पूरे टाइम मार्केट रही है और वहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो हम लोगों ने पोजीशन तो एग्जिट कर ली थी जब मैंने आप लोगों को बताया था। यस, कुछ स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। मार्केट का ये रूल है, देखिए हर दिन हमारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। कुछ टाइम एक ऐसा टर्न अराउंड आएगा जहाँ पर हमारे 2-3 दिन स्टॉक्स नहीं चलेंगे, बट अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर हम लोग अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। अब कल है फ्राइडे, किस तरीके से डिसीजन लेना है, क्या मार्केट की मोमेंटम रह सकती है। एफआईआई का डाटा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस एग्जिट करी होंगी और कल नई पोजीशंस ऐड ऑन होंगी, तो सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकती है, चलते हैं। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को अगर मैं देखूंगा तो मैंने दो लाइन स्टॉप के सामने ड्रॉ करी है। फर्स्ट इज द रेजिस्टेंस लाइन एंड सेकेंड एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी हुई है। फाइनली हुआ क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे एक डबल टॉप था, स्टॉप का एक ब्रेकआउट दिया, स्ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट गिव अ रीटेस्ट दिया। जो ये 3 लॉन्ग कैंडल थी, जो ये शॉर्ट कैंडल थी, इस पर्टिकुलर का जो मिड पॉइंट था उसके ऊपर जाके आज इसने अपनी क्लोजिंग करी है विद अ वेरी गुड गैप अप। गैप अप के साथ खुला, जो गैप था उसको फिल कर रहा है एंड बहुत अच्छे से ऊपर गया। वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं, 3 दिन के वॉल्यूम्स के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग करी है, तो वॉल्यूम्स आर गुड, स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार आपको लेकर चलता हूं। यस, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक मैंने जोन क्रिएट करा है आप लोगों के लिए। लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इस जोन पे आप देख सकते हैं मल्टीपल सप्लाई जोन थी, यहाँ पर मल्टीपल सप्लाई आती थी, बट फाइनली इट गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। बहुत अच्छी रैली भी दी थी इसने, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक ही ऊपर गया था, उसके बाद ये हल्के हल्के स्लोली स्लोली नीचे आया। अब नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया, इट गिव अ रीटेस्ट, जो पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, आफ्टर गिविंग अ रीटेस्ट एंड बाउंस फ्रॉम देयर इट बिकम अ सपोर्ट। अगर आप देखेंगे तो जैसे ही अपने सपोर्ट पे आया, वॉल्यूम्स बहुत तेजी से इंक्रीज करना स्टार्ट कर गए थे। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। अब हुआ क्या, ये कंटिन्यूसली लोअर लोस एंड लोअर हाइज फॉर्म कर रहा था। फाइनली एक टाइम ऐसा आया जब इसने अपने लो को ब्रेक नहीं करा और ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करा। प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट, आप देख सकते हैं इसने रीटेस्ट दिया और दोबारा ऊपर गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब हमारे लिए जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, दैट शुड बी दिस लेवल, जो कि 1726 का है, करंट प्राइस है 1750 रुपीज़ का, बट मेरे जो टारगेट्स होंगे दैट शुड बी आर दिस पर्टिकुलर हाई एंड दिस हाई। तो मैं टारगेट्स अपने ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, दैट फर्स्ट टारगेट शुड बी 1770 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 1790 to 1800 रुपीज़ का। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं, मुझे लगता है स्टॉक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है फ्राइडे या फिर मंडे के लिए, उसको वॉच लिस्ट पर जरूर रखेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टॉक की। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर आप यूएस स्टॉक्स और बिटकॉइन और फॉरेक्स या कमोडिटीज सब पे ट्रेड कर सकते हैं। सो इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग 100+ एसेट क्लास पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, स्टॉक्स लाइक अमेज़न, टेस्ला, सारी कंपनीज में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स, कमोडिटीज, सिल्वर, गोल्ड सबके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिट और विड्रॉवल का जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा ही सिंपल है एंड 0% चार्जेस जाते हैं अगर आप विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को $1 से आप मिनिमम $1 के इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इनका एक खुद का प्लेटफॉर्म भी है जहां पर ये लोग सोशल ट्रेडिंग के थ्रू आप लोग पैसा भी अर्न कर सकते हैं।
सोशल ट्रेडिंग में होता यह है कि वहां पर आप लोगों को वेरियस अदर ट्रेडर्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हो उनके रिकमेंडेशन के थ्रू, एंड वहां पर आप प्रॉफिट भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्लस वर्चुअल करेंसी $10,000 भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट अपनी रियल करेंसी के साथ भी कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, गो एंड चेक दिस आउट। सो आवर सेकंड स्टॉक इज तत्वा चिंतन। तत्वा चिंतन फार्मा को अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक बढ़िया है, बट अभी रिसेंटली ये लॉन्च भी हुआ था, अभी रिसेंटली इसका IPO लिस्ट हुआ था, एंड ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। अगर आप देखेंगे तो ये एक टॉप, ये एक पूरे टाइम जोन के अंदर काम कर रहा है। तो बट आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी होगी, फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया एट गिव अ बाउंस, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया एट गिव अ बाउंस, अब यहाँ पर जो बाउंस आया वो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर गया और उसको क्रॉस करा। तो यानी कि होना कंटिन्यूस बेसिस ये हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले लो इसका ये था, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, हाई ये था, हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, अगेन ये नीचे आया, ये इसका लो है और लो ऊपर की तरफ शिफ्ट है। अब जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस जो इसके लिए बन रहा है वो ये एक लेवल बन रहा है। आप देख सकते हैं आफ्टर अ कंटिन्यूस फॉल ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करना चाहिए था, बट इवेंचुअली वो नीचे आया और नीचे जो ट्रेंड लाइन थी उसको फॉलो करा एंड अब दोबारा ऊपर जा रहा है। सो राइट नाउ द करंट प्राइस इज 2142 रुपीज, हमें बाय करना है अबव 2160 के ऊपर जब 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी। याद रखना 30 मिनट्स की कैंडल जब क्लोज करेगी 2160 या 55 के ऊपर तो ही हमें अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है। ओके अब बात करते हैं टारगेट्स की। सो टॉप टू बॉटम में एक फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मेरा पहला टारगेट होगा दैट शुड बी 2215 जो कि 38% है, एंड माय नेक्स्ट टारगेट शुड बी 2260 रुपीज जो कि हमारा 50% रिट्रेसमेंट रेशियो है। सो मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे जाएगा। अगर आप इसके ऊपर बाय करेंगे इसका लो हमारा स्टॉप लॉस एंड दिस शुड बी आर टारगेट, और हम हाईएस्ट टारगेट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी मान के चल सकते हैं। स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखिएगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो ही बाय करना, अगर नीचे जाता है तो स्टॉक के अंदर कोई भी एंट्री हमें नहीं लेनी है। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है एमटार टेक। एमटार टेक आपको याद होगा कि मैंने कल आप लोगों को शॉर्ट करने के लिए दिया था कि आप लोग फिटनेस देख ले इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक की इसने डाउनफॉल की रैली करी थी और हम लोगों के टारगेट्स अचीव करे थे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अब बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है लेट मी एक्सप्लेन। अब आप देख सकते हैं मैंने एक ये जोन क्रिएट करा हुआ है ब्लू कलर का, एंड सबसे पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस, इट क्रिएटेड अ डबल टॉप एज वेल, नीचे आया इस लेवल पे। आप देख रहे हैं एक बेस क्रिएट हो रहा है, ये शार्प फॉल आने के बाद यहाँ पर अब एक बेस क्रिएट हो रहा है। लेट मी शो यू, सी दिस, ये एक बेस क्रिएट हो रहा है, मतलब एक ड्रॉप आया, एक बेस है और एक रैली है। सो ड्रॉप बेस रैली। अब अगर इसके पर्टिकुलर लेवल के जोन के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये अपने प्रीवियस हाइज तक दोबारा जा सकता है, तो इसको वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं मैंने सपोर्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, मल्टीपल बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और इसने अपने नए लाइफ टाइम हाई को क्रिएट करा है, सॉरी नॉट न्यू लाइफ टाइम हाई, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करा है। सो दोबारा अपने सपोर्ट पे आया, इस लेवल से अब ऊपर जा सकता है, तो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। एक प्लस पॉइंट और है कि 100 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी इसे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं आप लोगों के लिए। ओके सो जब मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस पर्टिकुलर लेवल। सो जैसे इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी जो कि लेवल आ रहा है 1590 रुपीज का, तो हम लोग बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1615 रुपीज का, जो आराम से स्टॉक दे सकता है। बट हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे मोस्ट प्रोबेबली 1700 to 1750 रुपीज के, इसको भी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब जो अपकमिंग वीक आएगा ना मंडे से लेके फ्राइडे तक का, वहां के लिए पर्टिकुलर स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया एंड क्लियरली यही एनालिसिस हम लोगों ने कल भी देखी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने आपको कल क्या कहा था, मैंने कहा था ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग हो चुकी है देर आर टू सिनेरियोज दैट कैन हैपन, एक तो मार्केट गैप अप खुलेगी, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो वहां पर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना बिकॉज वो नीचे आएगी। आपको अगर ये आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, एग्जैक्टली मेरे यही वर्ड्स थे कि मार्केट गैप अप खुलेगी तो नीचे आएगी बिकॉज ऑल राइटर्स एक्टिव होना स्टार्ट होंगे, जिन लोगों ने पुट पोजीशंस बनाई है वो लोग अपनी पोजीशन, जिन्होंने कॉल बाय कर रखी थी सोच के कि यहाँ पर एक बेस है, वो लोग पोजीशन से निकलना स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ अ गैप अप। और आप देख सकते हैं एक फॉल आया, ये फॉल आया 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 और यहाँ पर क्लियरली हम लोगों ने ये दो जोन्स बनाए थे, एक ये जोन और एक ये जोन।
अब यहां पर हम लोगों ने करा क्या, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। स्ट्रेंड लाइन को मैं अभी क्लियर हटा देता हूं आप लोगों के लिए। यस, आप देख रहे हैं ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। इट गेव अ ब्रेकडाउन दिया तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि एक तो बियरिश फ्लैग एंड पोल का ब्रेकडाउन है, बट हमें शॉर्ट करना ही नहीं था, हम लोग तो बुलिश मोमेंटम के लेते हैं बिकॉज हमें पता है कि एक रिवर्सल आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक जोन क्रिएट करा हुआ था जो कि पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट बिकम सपोर्ट। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अलर्ट लगा रखा था कि 18,070 के आसपास आएगा तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा, मैं अपनी पोजीशन को बाय बना लूंगा। सो इस लेवल पर मेरे पास स्टिल होल्ड है, निफ्टी मैंने ऑलरेडी बाय बना रखा है क्योंकि मैंने आपको खुद पर्सनली बताया था कि हम लोग बाय कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए मेरे हिसाब से हमने जो बाय पोजीशन बनाई है बहुत अच्छे लेवल पे बनाई है। 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसमें हम लोगों ने अपनी बाय पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 80 पॉइंट्स का है। अब यहाँ पर जो टारगेट्स हैं लेट्स चेक, तो सबसे पहले हाई ये है, दिस इज आर बॉटम। सो अगर आप लोगों को एक फ्रेश बाय पोजीशन बनानी है तो आप लोग बनाए सकते हैं 18,252 के ऊपर। अ टारगेट शुड बी अराउंड 18,320 एंड अ सेकेंड टारगेट शुड बी अराउंड 18,370 रुपीज का। तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस को आपको इस लेवल के नीचे ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये नीचे आता है और इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम विच इज अ वेरी गुड साइन। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं एक फॉल आया ऊपर गया, फॉल आया ऊपर गया, फॉल आया ऊपर गया, फॉल आया ऊपर गया एंड फॉल आया कंटिन्यूसली। इट्स मेकिंग अ लोअर लोज एंड लोअर हाइस, फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट फ्रॉम इट्स प्रीवियस विंग आया, तो डेफिनेटली एक बार ये नीचे आएगा। ये कोई भी अपने नीचे लेवल पे आ सकता है, 18,120 18,150 के आसपास आ सकता है और दैट इज द वेरी गुड टाइम टू बाय इंडेक्स, तब वहां पर हम लोगों को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी ने अभी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जो मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था कि रिवर्सल आ गया है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये बाय पोजीशन अभी वैलिड है। एक बार बैंक निफ्टी को अगर हम चेक करें, सो बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, यहाँ पर हम लोगों को एक बाय पोजीशन इनिशिएट करके रखनी है। ये एक रेंज के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहा था, फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल और मैंने आप लोगों को बताया था कि 39,630 के ऊपर हमें बाय करना है। सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 39,700, वहाँ पर गया था, उसके बाद एक दोबारा सेलिंग प्रेशर आया था, उसके बाद एक दोबारा रिकवरी आई एंड जैसे ही 1700 को ब्रेक करा इसने अपने फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ब्रेकआउट दे के ऊपर क्लोज करा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 40,000 के लेवल को ब्रेक करा है, बहुत अच्छी बात है। अब फाइंड करते हैं इसके टारगेट्स को। सो दिस इज आर बॉटम, दिस इज आर टॉप एंड अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन आर टारगेट शुड बी अराउंड 40,600, जो कि मैंने आप लोगों को कल ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के थ्रू बताया था कि 40,600 पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अब अकॉर्डिंग टू आर फ्लैग एंड पोल पैटर्न और अकॉर्डिंग टू आर टेक्निकल एनालिसिस हमें पता लग रहा है कि 40,600 ईजिली जा सकता है। सो वॉट यू हैव टू डू, अगर कल एक ब्रेकडाउन आता, अगर ये कल नीचे आता है तो ये मत डरिएगा, अगर इसके नीचे आ गया तो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर नीचे भी आता है और तब दोबारा ऊपर जाता है, हम लोग अपनी बाय सेटअप बना सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 40,600। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट गिर रही है, हमें शॉर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, हमें लॉन्ग के मौके ही सिलेक्ट करने हैं और बाय और डिप्स करना है। एग्जैक्टली वो सिनेरियो आ चुका था और हम लोगों ने एग्जैक्ट टाइम पे दोनों इंडेक्स को पकड़ा था। सो ये थी हमारी गाइस एनालिसिस। ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखाने का कोई अभी लॉजिक बनेगा नहीं बिकॉज आज एक्सपायरी हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी नई पोजीशंस को एग्जिट और स्क्वायर ऑफ करा होगा, तो ओपन इंटरेस्ट में कुछ खास बिल्कुल नहीं होगा। एफआईआर के डाटा पे हम लोग अभी काम कर नहीं रहे बिकॉज उनके अकॉर्डिंग मार्केट वर्क कर नहीं रही है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये थी एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज, बस थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड लेट्स एम कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स विद इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ हम लोग कंप्लीट करें।